हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और पुलिस इन ऑफेंसेस को कैसे डील करती है। हमारे क्रिमिनल लॉ में दो तरह के ऑफेंस बताए गए हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा होती है। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सजा का प्रावधान 3 साल या उससे ज्यादा दिया गया है, वो ऑफेंसेस सीरियस माने जाते हैं और ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस बिलेबल और नॉन बिलेबल दोनों तरह के होते हैं, जैसे किडनैपिंग, मर्डर, डॉरी डेथ। ये कुछ एग्जांपल हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के। अब मैं आपको बताऊंगा पुलिस इन ऑफेंसेस से डील कैसे करती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में सबमिट करता है और उस कंप्लेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस होना पाया जाता है, तो पुलिस का ड्यूटी है इमीडिएट एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू करना। यानी कि ऐसे ऑफेंस जिनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है, यानी कि बिना एफआईआर दर्ज किए पुलिस किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं कर सकती, और पुलिस का ड्यूटी है इमीडिएट एफआईआर दर्ज करना और इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को अगर कोई एक्यूज्ड अरेस्ट करना है तो किसी कोर्ट की परमिशन या अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती। इवन अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है तो भी कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी भी तरह की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिसिबल नहीं है, यानी कि इमीडिएट एफआईआर दर्ज करना और इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का ड्यूटी है, पुलिस लीगली बाउंड है। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू।